हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रहमान अली और मैं कंटिन्यू क्लास 12 की इंटीग्रेशन को पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इस इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लें। और उससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे डिफरेंशिएशन की पूरी क्लास फंक्शन बाय फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को पढ़ लें, देन आप इंटीग्रेशन पे इंटर करें। और एक जरूरी बात, आज जब वीडियो स्टार्ट हो रही होगी तब स्टार्टिंग में आपको आज जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसका आपको डिस्प्ले किया गया होगा, तो आप वहां पे पॉज करके उसको देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, अदरवाइज दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो आइए, इसका पहले वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। और जिस भी बच्चों ने नहीं देखा है तो वहां पे मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां से जाकर के आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ उस सीरीज में। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 0 dx। अच्छा, मैंने कहा है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो जब आप जीरो, जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता था, किसी ने किसी कांस्टेंट का, तो फिर जब जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बेसिक और छोटे और इजी क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, x^n dx, x^n+1/n+1 ये अप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, x^-3/2+1 3/2 इन द सेंस हाफ, हाफ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएंगे, माइनस हाफ अपॉन पे ये माइनस हाफ। इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये -2x^-1। और इसको प्रॉपर वे में राइट डाउन करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1/2। आगे बढ़ेंगे सीधे डायरेक्टली, अपन बहुत ही टफ क्वेश्चन पे एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले अपन बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनाएंगे, देयर आफ्टर अपन आगे कंसिस्टेंटली आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। रफ कर लेते हैं, जिन भी बच्चों को अगर वीडियो स्लो लगे तो वो क्या करेंगे कि स्पीड बढ़ा करके YouTube पे और उसको देखेंगे, अदरवाइज ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो x^3/√x+3x²/√x+4/√x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x^3-1/2+3x²-1/4x⁻¹¹। इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 3^6-1 5/2+2^4 3/2+4x⁻¹¹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 
ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इस चीज को। तो ये क्या हो जाएंगे, x 5 बाई टू डी एक्स प्लस 3 एक्स टू दी पावर 3 बाई टू डी एक्स प्लस 4 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स। जल्दी से इसको आप रेडन कर लीजिए। ओके, रफ कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला है जो वही अप्लाई होगा इस वाले पे, x टू दी पावर n इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही अप्लाई हो जाएगा इस पे फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x टू दी पावर 5 बाई टू प्लस 1 अपॉन 5 बाई टू प्लस 1 प्लस 3 x टू दी पावर 3 बाई टू प्लस 1 अपॉन 3 बाई टू प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएंगे x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, x टू दी पावर 2 × 2 तो 5 टू जा 2 × 2 तो 5 टू 7 बाई टू, दिस इज 5 प्लस 2 7 बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो प्लस 3 x टू दी पावर हाफ 1 ½ प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 बाई टू बाई 5 बाई टू प्लस 4 एक्स टू दी पावर 1 में से हाफ लेस करेंगे कितना हो जाएगा हाफ, दिस इज हाफ। नाउ ये हो जाएगा 2 बाई 7 एक्स टू दी पावर 7 बाई टू प्लस 2 बाई 5 टू 3 जस 6 6 बाई 5 एक्स टू दी पावर 5 बाई टू 4 टू जस 8 एक्स टू दी पावर हाफ, दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। इसको पॉज करके उतार लीजिए, ये इजी क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इसके बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ इंटीग्रेट करेंगे। एक ही बार अगर टफ क्वेश्चन ले ले तो प्रॉब्लम होगी। ये इंटीग्रेशन में हमारा सेकेंड ही वीडियो है, पहले आप पहले वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर सेकेंड वीडियो ये है, इसको देख लीजिए। बाई सिक्वेंस आप देखते चलिए, आई होप कि आपको इससे बिल्कुल फायदा मिलेगा और आपके क्वेश्चन लग रहे होंगे। ठीक है, ओके, रफ कर लेते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इस यहां पे क्या करेंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सप्रेस कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, i इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2, देन आप इंटीग्रेट कर दीजिए अब यहां से, तो क्या हो जाते हैं ये x स्क्वायर dx प्लस ऊपर चला जाएगा तो x टू पावर माइनस 2 डी एक्स माइनस 2, यहाँ पे 1 रख लीजिए इंटू में डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं इस चीज को, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूबिक बाई 3, भाई जितना पावर रहता है x के उत्तर प्लस 1 और वही पावर प्लस 1 डिनोमीटर पे भी होते हैं, तो h सिमिलर। अब ये कितना हो जाता, x के पावर में माइनस 2 प्लस 1 तो x के पावर में माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 तो ये भी माइनस 1 हो जाते, माइनस 2x। इन अ प्रॉपर मैनर आप इसको राइट डाउन करते तो x क्यूबिक अपॉन 3 माइनस 1 बाई x माइनस 2x, इज इट ओके। नाउ राइट डाउन दिस, चलिए इसको रफ कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ नंबर
sec square x minus 3 cosec square x। ट्राई करिए इसको बनाने का। ओके बना होगा, अदरवाइज आइए देखते हैं सॉल्यूशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएंगे sec square x माइनस dx माइनस 3 cosec square x dx। देखिए किसका डिफरेंशिएशन होता था sec square x, tan x का। तो sec square x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan x, तो ये हो जाएंगे 2 tan x माइनस cosec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता था cot x का, cosec square x। तो अब इसका जब करेंगे आप cosec square x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस 2 tan x माइनस माइनस प्लस 3 cot x। ठीक है, दैट इज योर सॉल्यूशन। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके आपने राइट डाउन कर लिया होगा, रफ कर लेते इस चीज को। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 लॉग एक्स, बेस ई अंडरस्टूड रहेगा यहां पे। देखिए कैसे राइट डाउन कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ई टू द पावर 2 log e बेस पे x, ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये फाइनलाइज कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए आप वहां पे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर dx देन x क्यूबिक अपॉन 3, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। इस चीज में प्लस सी लिखा रहता है, ये सी जो होता है वो इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहां पे अगर आप नहीं राइट डाउन कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एज यू विश। अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो इसकी वैल्यू फिर वहां पे बढ़ जाती है और वहां पे इसको आपको राइट डाउन करना ही होता, ठीक है। चलिए बन गया होंगे, आई होप, रफ कर लेते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आई इज इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करते हैं इस चीज को। चलिए तो ये हो जाते 5 टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। चलिए दैट फॉर्मूला है ये 5x log ई ए प्लस 3 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएंगे माइनस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा log ई बेस पे x, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहे होंगे, तो जिन बच्चों से बन जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पैशन बना के रखिए, ठीक है। हमको तो उन बच्चों को भी लेकर के चल रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहे, ठीक, तो बेसिक से अपन क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जिन भी बच्चों को लग रहा है ये कि स्लो हो रहा है तो आप ऑप्शन रहते हैं वहां पे यूट्यूब पे, आप स्पीड कर लें और स्पीड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके रफ कर ले इस चीज को। ओके सेवेंथ क्वेश्चन, नाउ अवर एट क्वेश्चन इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। सो लेट सी हियर योर एट क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूबिक अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस दिस। बी केयरफुली ऑब्जर्व, दिस इज द सीरीज फॉर ई टू द पावर एक्स। नाउ इंटीग्रेट विद दिस, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएंगे, ये
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही हो जाएंगे। तो आंसर इज व्हाट, e टू द पावर x प्लस c। अब c क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट है, एज यू विश, अगर आप चाहते हैं तो राइट टर्न करें, अदरवाइज ये कोई प्रॉपर नहीं है कि आप इसको राइट टर्न नहीं करेंगे। तो योर फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट, e टू द पावर x, यू कैन राइट हियर 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूबिक अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस c, दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। सो प्लीज राइट डाउन दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ कर लेते हैं, ठीक। नाइंथ क्वेश्चन इज हियर, I इज इक्वल टू 4 यहां पे है इनसाइड दी x है, ठीक है। ट्राई करिए इसको, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा x से पावर 1 बाई 4। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, x टू दी पावर 1 बाई 4 dx कैसा हो जाएगा, x टू दी पावर 1 बाई 4 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाता 4 1 x टू दी पावर 5 बाई 4 और ये 5 बाई 4, ठीक है। देन फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट, 4 बाई 5 x टू दी पावर 5 बाई 4, दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। सो प्लीज इसको पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक कि दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, आई एम श्योर। नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो साइन एक्स साइन ए माइनस एक्स, ये आपको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, प्राइम ऑफ इसी बच्चे को क्या लगेगा, अरे ये कैसे बहुत टफ हो गया ये, तो ये कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको, तो क्या हो जाएंगे, 1 बाई साइन ए माइनस एक्स इंटीग्रेशन होगा, वो सिर्फ साइन एक्स का होगा डी एक्स। तो भाई आपके पास कॉन्स्टेंट है, ए माइनस एक्स नहीं है वो, एक्स अगर होते तो ये सॉल्यूशन होता, ये अल्फा है यहाँ पे मिसिंग है, ये अल्फा है, ठीक है। तो वन अपॉन साइन ए माइनस अल्फा, साइन एक्स इज व्हाट माइनस कॉस एक्स, सो योर फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन ए माइनस अल्फा, दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन एंड टेक ए स्क्रीन शॉट, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ, डेली पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, देन यू इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स, अदरवाइज यू डोंट इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स। सो लेट मी डू दैट एंड ट्राई दैट एंड read that. Okay.